अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में हमारे पास जो टैग्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं उनका क्या रोल होता है और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना सबलाइम एडिटर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम सेव करते हैं अपने HTML ट्यूटोरियल्स के फोल्डर में attribute.html की एक्सटेंशन के साथ। अब हमारे पास ये फाइल बन चुकी है, इसको हम यहाँ से ओपन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले साथ साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम HTML का जो डिफाइन फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसमें हम टाइटल में अगर एट्रीब्यूट लिख देते हैं और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये टैब के अंदर एट्रीब्यूट लिखा आ गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है टैग्स की। तो अब सबसे पहले हम एक इमेज का टैग ले लेते हैं। अब इमेज का टैग हमारे पास सिंगल टैग होता है, इसको हम क्लोज नहीं कर रहे। अगर यहाँ हम जैसे यहाँ पर हमने बॉडी का टैग ओपन किया फिर उसको क्लोज किया, HTML का ओपन किया फिर उसको बैक स्लैश से क्लोज किया, लेकिन ये इमेज का जो टैग है वो हमारे पास सिंगल टैग है, उसको हम क्लोज नहीं करते बैक स्लैश से। अब इमेज के टैग के अंदर जो हमारे पास ये सोर्स गिवन है, ये सोर्स हमारे पास डिफाइन है, ये हमारे पास इस इमेज के टैग का एट्रीब्यूट है। अब इस सोर्स में हम इमेज की लोकेशन देते हैं तो हमारे पास इमेज वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। अब इस फोल्डर में हमारे पास इमेज पड़ी है डाउनलोड डॉट जेपीजी के साथ। सबसे पहले हम लिखते हैं इमेज का नेम और फिर उसकी एक्सटेंशन कि वो किस फॉर्मेट की इमेज है। अब जैसे ये जेपीजी के फॉर्मेट की है, पीएनजी फॉर्मेट की इमेजेस भी होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स की इमेजेस होती हैं, तो आपने उसके साथ इमेज के नेम के साथ एक्सटेंशन भी लिखी है लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज हमारे पास पड़ी है, इधर यहाँ इमेजेस का फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर हमारे पास ये डाउनलोड की इमेज पड़ी है, तो यहाँ पे हमने उस फोल्डर का नाम भी यू मेंशन करना है और उसके बाद इमेज का नाम मेंशन करना है। अब ये एक जो एट्रीब्यूट डॉट एच टी एम एल की फाइल है वो भी उसी फोल्डर में और जो इमेज है वो भी उसी फोल्डर में, तो हमें फिर यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ इमेज का नाम लिख लेना है और साथ उसकी एक्सटेंशन यूज़ कर लेनी। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास फाइल इसकी हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। अब हमारे पास इमेज के टैग में एक ये एट्रीब्यूट आ गया सोर्स का। अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ का, तो हमने यहाँ विड्थ सेट की, तो हमने इस फाइल को सेव कर लिया कंट्रोल एस से और यहाँ ब्राउज़र में जाके हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास इसकी विड्थ सेट हो गई। अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है इमेज के टैग में हाइट का, तो हाइट भी हमने यहाँ पे सेट करके इसको सेव किया कंट्रोल एस प्रेस किया और ब्राउज़र में जाके हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास हाइट भी इसकी चेंज हो गई। ये इमेज के एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। अब इमेज में एक और हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, वो है ऑल्ट का एट्रीब्यूट। ऑल्ट का एट्रीब्यूट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इमेज एक्सेसिबल नहीं हो, तो उसके बाद हम जो यहाँ पे ऑल्ट के एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिखते हैं वो उस इमेज की जगह पे हमें मेंशन हो जाता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज का नाम वन कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इमेज डाउनलोड के नाम से सेव है और यहाँ पे मैंने वन कर दिया तो ये इमेज हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है, तो अब उस इमेज की जगह पे हमारे पास ये टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको सेव कर लेते हैं फाइल को और यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमारे पास इमेज एक्सेसिबल नहीं थी तो उसने क्या किया, हमें वो टेक्स्ट दे दिया जो हमने ऑल्ट के एट्रीब्यूट में लिखा था। तो ये हमारे पास इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स थे। हर टैग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट टैग्स के। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे हम एक टैग यूज करते हैं टाइटल का, टाइटल में हम लिख देते हैं पैरा और यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करते हैं और अब हम ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं
तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है, तो ये हमने जो टाइटल में एट्रीब्यूट लिखा, तो जब हम माउस को इधर लाते हैं, होवर करते हैं, क्लिक नहीं करते, जस्ट होवर करते हैं पैराग्राफ में, तो जो टाइटल के एट्रीब्यूट में हमने लिखा था वो हमें यहाँ पे ये नीचे बॉक्स में मेंशन हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारे पास टाइटल का एट्रीब्यूट हो गया, और हमारे पास लिंक एच, ये अब हमारे पास लिंक के लिए एट्रीब्यूट यूज़ होता है HRF। तो इसमें हम जो भी लिंक मेंशन करते हैं वो हमारे पास ये जो हमारे पास जो जो हमारी डॉक्यूमेंट है, हमारी हमारा कोड है, वो हमें उस लिंक में रीडायरेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यहाँ एक लिंक दे देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं google.com। यहाँ से हमने इस लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे हमने इस लिंक को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने वो नाम लिखना है जिसके ऊपर क्लिक करके ये उस लिंक पे चला जाए। तो यहाँ पे हम गूगल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम सेव करके इस फाइल को, अपनी फाइल को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये हमारे पास लिंक क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें गूगल पे ले जाता है। अब जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें इसी पेज को रीडायरेक्ट कर देता है गूगल पे। और अगर हम चाहते हैं कि ये इस टैब में नहीं, नेक्स्ट टैब इसमें ओपन हो और वहाँ पे ये लिंक हो जाए, गूगल का जो गूगल की साइट है वो ओपन हो जाए, लिंक ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक और यूज़ होता है एट्रीब्यूट, जिसको हम कहते हैं टारगेट। और यहाँ पे अगर हम लिख दें ब्लैंक और इसको सेव कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करें और इस पर क्लिक करें, तो ये न्यू टैब में हमें उस पर ले जाएगा। और भी यहाँ पे इसके बहुत से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास इसका ये भी एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास पैराग्राफ टैग का एट्रीब्यूट हो गया, ये हमारे पास इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हमारे पास जो CSS होती है, हम CSS को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ, तो हम एक इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। एक CSS, हमारे पास CSS की तीन टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल CSS होती है, एक एक्सटर्नल CSS होती है, और एक इनलाइन CSS होती है। तो इनलाइन CSS यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइल। तो स्टाइल, यहाँ पे मैंने स्टाइल लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कलर यहाँ पे लाइट ब्लू करके इसको सेव किया। तो अब हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो चुका होगा। तो यहाँ पे जाके हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये कलर इस पर अप्लाई हो चुका। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग होती है जो टैग्स के अंदर होती है। ये हमारे पास तब होती है जब हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्जिन लेफ्ट करके देखते हैं, सेव करके यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट हो गया। तो ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। अब हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है आईडी और क्लास का। आईडी हमारे पास हमेशा यूनिक होती है, और जो क्लास होती है वो हमारे पास एक क्लास डिफरेंट हमारे पास टैग्स पे यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम H2 पर टैग यूज़ करें, तो यहाँ पे अगर हम आईडी यूज करेंगे, आईडी, और यहाँ पे हम एक और H2 का टैग यूज कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट यूज किया है वही आईडी हम यहाँ पे नहीं सेट कर सकते, क्योंकि आईडीज हमारे पास हमेशा यूनिक होती है। अब आईडीज और क्लास, एक तो हम इसके थ्रू jQuery में फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, और आईडीज और क्लास के थ्रू हम यहाँ पे जो इंटरनल स्टाइलिंग जिसको बोलते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैंने इसको आईडी फर्स्ट फर्स्ट नेम से इसको आईडी असाइन फर्स्ट नेम्स की आईडी असाइन की है, तो हम यहाँ पे हेड के टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं कि हम आईडीज के लिए हमेशा
ये सिंबल यूज करते हैं। तो हमने यहाँ फर्स्ट लिखा कि जहाँ पे फर्स्ट नेम की आईडी है वहाँ पे क्या करो, जो कलर है उसको रेड कर दो। तो हमने इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये जो हेडिंग है जिसमें हमारे पास आईडी फर्स्ट थी वहाँ पे ये हमारा अप्लाई हो गया हमारे पास कलर। इस स्टाइलिंग को हम इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं। इसके बाद हमने, अगर हम यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं ये हमारे पास क्लास है और यहाँ पे हम एक और टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम क्लास असाइन करते हैं इसको सेम क्लास। तो अब ये है कि क्लास हम सेम जो है वो डिफरेंट टैग्स को असाइन कर सकते हैं लेकिन आईडी हमारे पास हमेशा यूनिक होती है। तो यहाँ पे हम अगर क्लास पे स्टाइलिंग अप्लाई करें तो क्लास के लिए हम डॉट का वर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि जहाँ पे आईडी क्लास हमारे पास कॉमन है, जहाँ पे क्लास का नेम कॉमन है वहाँ पे कलर करो ग्रीन कर दो। तो अब हमने इस फाइल को सेव किया और यहाँ पे हम जाके इसको अगर रिफ्रेश करें तो हमारे पास एक पैराग्राफ और एक हेडिंग इन दोनों का कलर ग्रीन हो गया। तो इन दोनों पे हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई होगी और आईडी पे भी हमारे पास होगी। तो ये हमारे पास, हम किसी भी टैग में आईडी का एट्रीब्यूट, क्लास का एट्रीब्यूट, ये किसी भी टैग में आप यूज़ कर सकते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट और आईडी का एट्रीब्यूट। वैसे HTML में और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि एट्रीब्यूट होते क्या हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो ये सिर्फ हमने कुछ एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल देखी कि टैग्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट एट्रीब्यूट का समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।